हाय गाइस, मेरा नाम है विजय। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम प्रभुनाथ बाबा के यहाँ आए हुए हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं कि कहाँ पे आपको रहना है, कहाँ पे आपको खाना है, कहाँ पे आपको प्रसाद चढ़ाना है। सब पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाऊँगा, आप उसी हिसाब से आके यहाँ पर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ। हम मेन गेट से अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि कहाँ पर क्या क्या करना है। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। ये जो हज़ारों सीढ़ियां हैं, ये आप नीचे से चढ़ के फिर ऊपर आएंगे। ऊपर आएंगे तो यहाँ जो मेन मंदिर का गेट है, ये इस गेट से हम लोगों को अंदर जाना रहेगा। इस गेट से हम अंदर चलेंगे तो फिर दिखाते हैं। अब हम लोग मंदिर के मेन गेट से अंदर आ चुके हैं और आपको दिखाते हैं कि कहाँ पे आपको कमरा मिलेगा, कहाँ पे आपको खाना खाने के लिए मिलेगा। चलिए आपको दिखाते हैं। ये सामने आप लोग देख सकते हैं जहाँ पे लिखा हुआ दर्शनार्थी संपर्क कक्ष, सूचना कक्ष। यहाँ पे आप लोगों को इस तरह का पर्ची कटाना रहेगा, ये इस तरह का खाने का और रहने का पर्ची कटाना रहेगा। यहाँ पे 7 बजे तक शाम को कटता है और उसके बाद में यहाँ पे ये जो लिखा हुआ स्वर्गीय द्वारी आश्रम यात्री भोजनालय, यहाँ पे आप जाएंगे कम से कम 1 घंटा लाइन लगाएंगे, उसके बाद आपको खाना खाने के लिए यहाँ इस वाले रूम में मिलेगा, क्योंकि यहाँ अंदर मोबाइल अलाउ नहीं है। तो वहाँ पे फ़ोटो हम थोड़ा बहुत जो क्लिप है हम आपको दिखा देते हैं कि जो भोजन अंदर करते हैं उसका थोड़ा सा क्लिप है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। लेकिन मेरा कहना यही रहेगा कि आप लोग अगर यहाँ आए तो शाम को आप लोग भिंगरी में रुक जाएं और वहाँ पे आप लोग रूम ले लें, उसके बाद में फिर यहाँ आए, नहीं तो यहाँ पे बहुत दिक्कत होगी रहने और खाने के लिए, आपको बहुत दिक्कत हो सकती है। इसलिए आप लोग शाम को भिंगरी में रहिए और उसके बाद में सुबह 4-5 बजे यहाँ पे आइए, फिर दर्शन करिए। ये मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ कि जो फ्री वाला रूम है और 100 रुपये में जो रूम मिलता है, मैं दोनों आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। ये फ्री वाला रूम है, इसमें सब लोग आराम से लेटे रहते हैं। यहाँ आपको नीचे चद्दर और रजाई मिल जाएगा, 25 रुपये जमा करके आप लोग ले सकते हैं और उसमें रह सकते हैं। और मैं आप लोगों को जो 100 रुपये में मिलता है उसको दिखा दे रहा हूँ, उस रूम को किस तरह है वो रूम। ये 100 रुपये वाले रूम है, अंदर से मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कैसा है। ये अंदर से देख लीजिए आप लोग, ऐसे लेटना रहेगा इसी में, ये ऐसे सब बिस्तर पड़ा रहता है और इसी में लोग आके लेटते हैं। 100 रुपये में ये रूम है। ये इधर का रास्ता मेन मंदिर और स्वर्गीय द्वारी की तरफ जाता है और ये सामने जो दिख रहा है यहाँ पे निस्दिन हमेशा 24 घंटे हवन होता रहता है। ये पूरा मैं आपको आगे दिखा दे रहा हूँ, पूरा यहाँ पे मंदिर और स्वर्गीय द्वारी जाने का रास्ता। अब हम लोग चल रहे हैं सुबह सुबह स्वर्गीय द्वारी की तरफ, वहाँ पे चल के नहाते हैं, उसके बाद में फिर आके मंदिर पे चल जाते हैं। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। 265 सीढ़ी नीचे उतर के तब जाना रहेगा फिर आप लोगों को। ये स्वर्गीय द्वारी जाने के लिए मेन रास्ता है, इसे 265 सीढ़ी उतर के नीचे जाना रहेगा। मैं एक बार आप लोगों को इधर से भी दिखा दे रहा हूँ। सब देखिए कितनी भीड़ लगी है, जहाँ स्वर्गीय द्वारी है जहाँ से जल निकालते हैं, सब लोग नहाते हैं और उसके बाद में ऊपर मंदिर पे जल भी चढ़ाते हैं। देख लीजिए एक बार, मैं आप लोगों को ऊपर से दिखा दे रहा हूँ कितनी ऊंचाई से होके तब नीचे आना रहता है। चलो।
अब मैं आप लोगों को ये दिखा रहा हूँ, प्रभुनाथ बाबा का मेन मंदिर है। यहाँ अंदर फोटोग्राफी मना है, ये बाहर से आप देख सकते हैं, ये प्रभुनाथ बाबा का मेन मंदिर है। यहाँ पे ये देखिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब दिखा रहा हूँ। ये एक बड़ा सा घंटा लगा हुआ है जिसको हम लोग बजाते हैं, अभी बजा के दिखाते हैं आपको। देखिए हम आप लोग को, यहाँ पे सब लोग जल चढ़ाते हैं, उसके बाद में ये देख लीजिए, यहाँ पे सब अपनी मन्नतें मान के, और यहाँ पे जो कपड़ा बांधा जाता है, और उसके बाद यहाँ पे धूप बत्ती लोग करते हैं। यहाँ पे आप लोगों को विदाई प्रसाद मिल जाएगा, जब आप लोग दर्शन करके जाना चाहेंगे तो मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे विदाई प्रसाद यहाँ पे मिल जाएगा। ये देखिए, ये एक जगह है यहाँ पर प्रभुनाथ बाबा के यहाँ, जहाँ पे निस्दिन हवन होती रहती है, 24 घंटे हवन होती रहती है। अब हम लोग चलते हैं, विदाई प्रसाद लेते हैं, हम लोग को दिखाते हैं, विदाई प्रसाद लेके फिर यहाँ से जाना रहेगा। ये आगे देखिए घर है जिस पे लिखा हुआ विदाई प्रसाद वितरण, यहीं पे विदाई प्रसाद मिलता है, और इसके बाद में यहाँ से सब लोग विदाई प्रसाद लेके फिर घर जाते हैं। ये सुबह कैंटीन है जहाँ पे आप चाय पी सकते हैं। लाइन लगा के रहना पड़ेगा।